किया। हम आज क्या तय कर सकते हैं, सारी पार्टियां एक होकर कहें कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जानी सकती, एक होकर सब कहें, तब नहीं होंगे दंगे, तब नहीं फैलेंगी दफर। किसके आधार पर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले, कौन भोग बना है? और मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं, कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बड़े बहुत बड़े अधिवक्ता है, सीएए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं सिब्बल साहब, मैं बता, पहले जब कहें तो बताइए। मैं सीएए की बात कर रहा हूं, नाम लेने से क्या? मैं सीएए की बात, आप बैठे ना, बैठिए बैठिए, कुछ और गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता के छीनेगा, हम नहीं कह रहे। ओह साहब, एक मिनट बात तो सुन लीजिए आप। मेरी बात तो सुन लीजिए। मान्यवर मेरी बात, सिब्बल साहब, गुलाम नबी सिब्बल साहब करते हुए कहता है, कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल, बात तो सुनिए मेरी, एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे, और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है, वो जाकर पूछेगा, ये भी बता देता हूं, उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है, ये सब लोगों के। प्लीज प्लीज सिब्बल साहब, मैं रिकॉर्ड पे कुछ कहना चाहता हूँ, शायद आपके काम में। बैठिए सिब्बल जी, सिब्बल जी बैठ जाइए। मैं बता देता हूँ सब, मैं बताता हूँ आप बैठ जाइए। मान्यवर, मैं कितने भाषण कोट कर सकता हूं श्रीमान कपिल सिब्बल की पार्टी के नेताओं के, जो कहते हैं सीएए माइनॉरिटी के खिलाफ। बता दे किस तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ, किसी के? मैं आपको बताता हूं मान्यवर, मान्य सदस्य ने कहा कि एनपीआर के अंदर डॉक्यूमेंट मांगेंगे। मैंने खुद स्पष्टता करी है, प्रेस रिलीज किया है कि एनपीआर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा पहले के एनपीआर में भी नहीं मांगा गया था, इसमें भी नहीं मांगा जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करें, इसकी भी स्पष्टता प्रेस रिलीज कर दी है कि जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप आजाद हो, पूरा ऑप्शनल है। तीसरा, लेकिन ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया, ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। एक मिनट, मैं लोकसभा मान्यवर, मैं आपको बताता हूं, चलो आपने अब तक नहीं सुना, मेरी बात अब तक नहीं पहुंची तो मैं अभी कह देता हूं, लीजिए पहुंच गई, आमने सामने बैठे हैं, कृपया आप समर्थन करिए। मैं आपको भाई एक, मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। मेरी बात तो समझ लो, किसी को इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात है,
आप बता दीजिए सदन में क्या। मैंने बताया ना, जिसकी इंफॉर्मेशन खाली होगी उसको डी में डाला जाएगा, जो आपने कहा। अरे सुनो ना, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, मान्यवर मुझे पूरी बात कहने दो, अरे पूरी बात तो कहने दो, बैठ जाओ पहले, एक मिनट मुझे सुनकर बताओ, एक मिनट, अरे मुझे सुनकर बताओ, पूरी बात सुनो पहले, पहले पूरी बात सुनो, एक मिनट, एक मिनट, ओ डायरेक्ट, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट मुझे सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बैठ जाइए, मैं जवाब देता हूँ ना। अरे विनय विश्वम जी, मैं जवाब देता हूँ, सुनिए तो, मुझे बोलने भी नहीं देंगे यार, एक सेकंड आप सुनिए ना, मगर भाई को बैठिए, भैया थोड़ी सहिष्णुता बढ़ाइए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे, तो मर गया, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अजीब, सुनिए अभी मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, खड़े हो गए, जिसकी जगह खाली होगी कोई भी इसको डी लगा देंगे, जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आप बोले अभी, मान्यवर एक सेकंड, नहीं लगेगा, एक मिनट, आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी, यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। अच्छा ठीक, अब फिर भी सुनो भाई, अरे फिर क्यों बात कर रहे हो, फिर भी बैठ जाए हलवाई जी, दो मिनट बैठिए मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूँ गुलाम नबी आजाद, आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए ना मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूँ गुलाम नबी आजाद सबसे वरिष्ठ है, नेता प्रतिपक्ष है, आनंद शर्मा जी गृह समिति, हमारी गृह की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष है, विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में डाउट है, गुलाम नबी साहब प्लीज लेकर आप आइए, मैं प्रायोरिटी के साथ आपको समय दूंगा, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस पर चर्चा अफसरों की उपस्थिति में, एक सेकंड बैठ जाइए ना, सर इनको कंप्लीट कर दीजिए, मान्यवर मैं कहता हूँ शर्मा जी, एक मिनट, मान्यवर माननीय मंत्री जी बोलने दीजिए भाई, अरे भाई सुनो मान्यवर, मैंने कहा कि गुलाम नबी साहब सभी विपक्ष के दल के एक दो चुनिंदा लोगों का सांसद के साथ जो मेरे साथ चर्चा करने आना चाहता हो लेकर आइए, आनंद शर्मा हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है वो भी आए, ये विषय पर, एक सेकंड, अरे सुनो ना मगर, अध्यक्ष जी क्या बना रहे इनको, देखिए मंत्री जी बोल रहे हैं, बीच में इस प्रकार का व्यवधान खड़ा करना गरिमापूर्ण नहीं है, जब इनका वक्तव्य पूरा हो जाए तो आपको कुछ पूछना है तो वो उसका उत्तर देने के लिए अनुकूलता होने से उत्तर देंगे। मान्यवर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी राइट्स पर चर्चा हो रही है, एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी गुलाम नबी साहब आएंगे, एक या दो दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे, अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए।